Namaskar dosto, and a very warm good evening to all you lovely people. And we start the evening today on a very happy, fresh note and also an excited note, kyunki hum aaj aapko wish kar rahe hain National Sports Day ki bahut bahut badhai. Yes, as today marks the celebration of the National Sports Day, aaj hamare desh ke mananiya pradhanmantri Shri Narendra Modi ne bhi sare athletes ko apni or se पूरी विशेष दी, बधाई दी और उनको प्रोत्साहन भी दी कि वो आगे जो उनका रेजोल्यूशन है, जो इनका रिस्पाइट है एंड डेडिकेशन है टुवर्ड्स स्पोर्ट, उसको और आगे लेके जाएं. देश उनके साथ है. नॉट टू फॉरगेट दैट दिस डे आल्सो मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द हॉकी लेजेंड मेजर ध्यानचंद जी, जिनको ट्रिब्यूट देते हुए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ही सिर्फ कुछ अपने अल्फाज नहीं बोले बल्कि उनके साथ साथ आज देश का हर वो खिलाड़ी भी उन्हें याद करेगा, जिनकी वजह से बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी रहे होंगे और हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स की दुनिया में अपने कदम रखे. हॉकी के जादूगर के नाम से मशहूर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर आज के दिन देश भर में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है. हॉकी के इस महान खिलाड़ी का जन्म आज ही के दिन 1905 में इलाहाबाद में हुआ था. वो 16 साल की उम्र में भारतीय सेना में भर्ती हो गए थे. ध्यानचंद के नाम के पीछे की कहानी भी बहुत रोचक है. ध्यानचंद का मूल नाम ध्यान सिंह था. उपनाम चंद उन्हें उनके सहयोगियों ने दिया क्योंकि वे रात में चांद का इंतजार किया करते थे और फिर चंद्रमा की चांदनी में सारी रात अभ्यास करते थे. अपने करियर के दौरान बतौर कप्तान ध्यानचंद ने हॉकी में भारत को 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक वर्ष 1928, 1932 और 1936 में दिलाए. उन्होंने अपने 22 साल लंबे करियर में 400 से अधिक गोल किए. आज ही के दिन बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रपति राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित करते हैं, जिनमें ध्यानचंद पुरस्कार भी शामिल है. ध्यानचंद पुरस्कार भारत में खेलों में आजीवन उपलब्धि का सर्वोच्च पुरस्कार है. राष्ट्रीय खेल दिवस के महत्व की बात करें तो ये दिन खेलों और खेल भावना का जश्न मनाने के बारे में है. खेल के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए सरकार ने भी कई प्रयास किए हैं. खेलो इंडिया का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने और सुविधाओं की कमी को पूरा करना है. सरकार उन सभी एथलीट को बेहतरीन सुविधा देगी जो गरीब परिवारों से निकलकर खेलों में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं. इसमें स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप के तहत 1000 खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति दी जा रही है. इसके तहत शहरों और गांव में कई खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर छिपी हुई प्रतिभाओं को बाहर लाया जा रहा है और उन्हें बड़े मंचों के लिए तैयार किया जा रहा है. इसके साथ साथ सरकार ने टारगेट ओलंपिक पोडियम भी शुरू किया है. ओलंपिक में भारत को अधिक पदक जीतने के सपने को साकार करने के लिए ये योजना शुरू की गई है. इसका मकसद ओलंपिक खेलों के लिए खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें बेहतर ट्रेनिंग मुहैया कराना है, जिससे वो देश के लिए पदक जीत सकें. इंडोनेशिया में चल रहे 18वें एशियाई खेलों में 16 साल के सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था. सौरभ टारगेट ओलंपिक पोडियम कार्यक्रम का ही हिस्सा थे. इन सब से देश में खेलों के प्रति लोगों का नजरिया बदला है. अब एक तरफ युवा खेलों में दिलचस्पी लेने लगे हैं, वहीं दूसरी ओर अभिभावक भी अपने बच्चों को खेलों में करियर बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं. उम्मीद है कि इन कोशिशों से आने वाले समय में खेलों के महाकुंभ ओलंपिक जैसी प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से देश का नाम रोशन कर सकेंगे. और दोस्तों, आज हमारे साथ यहाँ पर 3 ऐसे लोग, ऐसे एक्सपर्ट्स, ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जो अपने अपने क्षेत्र में स्पोर्ट्स की दुनिया में बहुत जाने माने नाम हैं. दे हैव बीन द बैकबोन्स फॉर मेनी स्पोर्ट्स प्लेयर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनको मैं यहाँ इंट्रोड्यूस करूँगी, वो एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा चेहरा है जिनको ना सिर्फ आप हमारे चैनल पर बल्कि स्पोर्ट्स की दुनिया में बहुत बार देख चुके होंगे. ही इज़ द द्रोणाचार्य अवार्डी. उनके साथ साथ उनको नवाजा जा चुका है विद पद्मश्री, पद्म भूषण, और उनके साथ वो खुद एक रेसलर तो थे ही, लेकिन आज बहुत जाने माने चेहरे हैं. वो हजारों रेसलर्स जो ओलंपिक्स के स्तर पर भी खेल के आए हों, उनमें से एक नाम उनकी
जो कहना चाहिए उनकी टोपी के नीचे हमेशा से रहा है और उनको बहुत खुशी देता है, वो है सुशील कुमार का नाम। नमस्कार, वेलकम वंस अगेन सतपाल जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपको स्टूडियो में यहाँ बुला के। नमस्कार सभी श्रोताओं को, बिल्कुल थैंक यू। और दोस्तों उनके साथ हम आगे बढ़ेंगे। वेल द नेक्स्ट पर्सन हु इज ओवर हियर इज अ मैन जिन्होंने अपनी जिंदगी हॉकी के नाम कर दी। वो हॉकी एकेडमी फॉर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन भी चलाते हैं और ना ही सिर्फ उसके प्रमोटर हैं बल्कि उसके साथ साथ वो एक IAS रिटायर्ड ऑफिसर भी रह चुके हैं एट द लेवल ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अलॉन्ग विद दैट ही इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द वर्ल्ड कप हॉकी 2010। हमारे साथ इस समय है SD शर्मा जी। नमस्कार, गुड इवनिंग शर्मा जी। सभी श्रोताओं का नमस्कार, आपका नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका यहाँ पे आज स्वागत है। एंड फाइनली हमारे साथ यहाँ दोस्तों एक ऐसी और शख्सियत जुड़ रही है जो है द फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिस्टर OP भाटिया। नमस्कार भाटिया जी, गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन हमें यहाँ ज्वाइन करने के लिए आज। एंड आप सभी जानते हैं आज नेशनल स्पोर्ट्स डे है। इस दिन और जब हम मेजर ध्यानचंद को याद भी करते हैं, मैं सबसे पहला सवाल तो शर्मा जी से आई थिंक शुरू करती हूँ क्योंकि आज के दिन की अहमियत ही एक शख्स की वजह से होती है जो हॉकी के दिग्गज माने जाते थे, जिनकी वजह से सिर्फ हॉकी ही नहीं बल्कि स्पोर्ट्स में बहुत सारे खिलाड़ी आए। आपसे अगर मैं ये पूछूँ, क्योंकि आपने अपनी भी ज़िंदगी पूरी हॉकी के नाम कर दी, आप हॉकी के लिए बहुत कुछ करते हैं, ध्यानचंद के समय से लेकर आज तक में इतने लंबे दशकों के अंदर आप क्या बदलाव अब देखते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया में, खास तौर से हॉकी से भी आप बता सकते हैं कि क्या बदलाव आप देखते हैं आज खिलाड़ियों में खेल के प्रति और खुद खेल के जज्बे के लिए। देखिए, हॉकी की जब भी बात करते हैं हम लोग तो मेरे लिए एक रोमांचक विषय होता है बहुत ज्यादा, दूसरे किसी भी व्यक्ति की तुलना में मेरे में ज्यादा रोमांच आता है। ऐसे ही रोमांच आता है मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं हॉकी के बारे में। पहले मैं मेजर ध्यानचंद जी की बात करूंगा। महान खिलाड़ी थे, जैसे आपने शुरुआत में ही बताया, चांदनी रात में 0 डिग्री के एंगल से गोल मारते थे। बॉल उनके पास आ जाती थी तो वो ड्रिबलिंग करके गोल में डाल के ही आते थे। 400 गोल किए उन्होंने अपने 20-25 साल के जो इंटरनेशनल हॉकी में 400 गोल किए उन्होंने, विच इज अ रिकॉर्ड बाय इटसेल्फ, वर्ल्ड रिकॉर्ड। जो 76 ओलंपिक्स में मुझे याद है रात को 1 बजे उठ करके मैं कमेंट्री सुन रहा था। मैं उस टाइम पे सब SDO था इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में, देवीकुलम में। तो जब हारा तो मुझे इतना दिल टूटता था कि साहब अरे मैं ही खेल लेता जाके वहाँ पे, ये अक्सर भावना आती है। इसका कारण ये है कि हॉकी गेम में बहुत बदलाव आया है। एस्ट्रोटर्फ करेक्ट, हॉकी स्टिक का जो डिजाइन है उसमें चेंज, जो रूल्स हैं गेम के उसमें चेंज। अब जो हॉकी है उसमें स्पीड बहुत मैटर करती है, बहुत ज्यादा स्टेमिना चाहिए, बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए, कहीं ज्यादा जिससे कि आप सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा। हमारे देश में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने काफी बड़ी संख्या में अब बनाई है एस्ट्रोटर्फ, प्लेयर्स को स्किल डेवलपमेंट में भी बहुत अच्छा आगे लेके गए हैं और प्लेयर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। परंतु जैसे मैं रिक चार्ल्स वर्थ से बात कर रहा था 2009 में, उन्होंने कहा कि साहब आप 7वीं-8वीं पोजीशन तक तो आ जाएंगे आराम से, परंतु 7 से यदि आगे बढ़ना है यू हैव टू हैव आपको स्पेशल ट्रेनिंग देनी होगी प्लेयर्स को, उनको कहीं अधिक एक्सेलेंस एट पार लेके आना होगा वर्ल्ड टीम्स के, तब वो आगे बढ़ेंगे। दूसरा, नर्सरीज ऑफ प्लेयर्स को डेवलप करना होगा। मेरा ध्यान हमेशा नर्सरीज ऑफ प्लेयर्स डेवलप करने में रहा है और सैकड़ों प्लेयर्स हम ट्रेन करके 3 साल से बच्चे को पकड़ लेते हैं हम लोग। एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो प्लेयर्स होते हैं नेचुरल बॉर्न प्लेयर्स होते हैं बहुत, उनको एक देखना कहाँ से उनको लाए हम लोग। खूंटी है जैसे कि आपका एक शहर झारखंड में, संसारपुर है, यहाँ के लोग वो बचपन से ही हॉकी खेलते हैं, उनको जोड़िए, हेल्पलाइन खोल दीजिए, जिसको आना है आओ फील्ड में, रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए कोई, ग्राउंड्स की मेंटेनेंस अच्छी होनी चाहिए, उसमें प्लेयर्स इकट्ठे हैं सब पानी का होस पाइप नहीं चल रहा है, पानी नहीं है साहब, रिस्ट्रिक्ट मत करिए,
लेट द मोर एंड मोर यंग पीपल ज्वाइन द नर्सरीज. जब आपके बेंच स्ट्रेंथ अच्छी होगी, नर्सरीज अच्छी होंगी, अच्छे खिलाड़ी आगे निकल के आएंगे. सही बात आपने बोली. मैं इस बात को यहाँ से आगे ले जाऊंगी सतपाल जी के पास, बिकॉज आप बात कर रहे हैं कि प्लेयर्स को आप बचपन से पकड़िए. कुछ प्लेयर्स ऑफ कोर्स, कुछ जो बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर हुनर होता है, कहते हैं ऊपर से दे हैव कम डाउन विद दैट ब्लेसिंग अपने अंदर. लेकिन आप खुद सतपाल जी, आपके नाम तो आई थिंक जितनी आपके पास हैट्स हैं आपके कलेक्शन में, उससे ज़्यादा आपके पास अपने ऑनर्स और मेडल्स होंगे जो आपने आज तक इतने सालों में कमाए हैं. लेट्स टॉक अबाउट द बिट दैट एज अ फादर, एज अ रेसलिंग कोच, जो एक फादर फिगर होती है, आप खुद भी इन खिलाड़ियों को ट्रेन करते हैं, आज उस नज़रिए पे बात करते हैं, तो आपको आज अगर आप देखें अपने समय से आज अगर आप कंपेयर करें तो स्पोर्ट्स में आप आज कितना बदलाव देखते हैं, खासतौर से रेसलिंग में, क्योंकि आप खुद जीते जागते रेसलिंग का एक मतलब क्या बोलूँ, शब्द कम पड़ जाएंगे शायद, सबूत है या गवाह है. नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा. हमारे समय मैं पहली बार 1972 ओलंपिक में गया था और मैं उस समय 16 साल का था और मेरे पास रेसलिंग शूज नहीं थे खेलने के लिए, जो कंपटीशन में थे ओलंपिक खेलने जा रहे थे, और हम मिट्टी में पूरी प्रैक्टिस मिट्टी में करके गए थे, हमारे पास कोई मैट नहीं था. और उसके बाद भी पाँचवें छठे नंबर पर आना तो एक वो, लेकिन क्या था कि सुविधाओं की बात थी, दूसरी चीज़ खाने की थी. मैं वेजिटेरियन हूँ तो वो घी दूध रोटी सब्जी ये खाते थे, तो वो बाहर जाने के बाद में वो दिक्कत आती थी. तो क्या था कि उस समय सुविधाएं न के बराबर थी, लेकिन जैसे जैसे एक माहौल बनता गया, आगे बढ़ता गया, कुछ हमारे मेडल, जैसे मैं था, मैं खुद 3 एशियाड में मेरे गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज हैं, 3 कॉमनवेल्थ गेम में तीनों में गोल्ड सिल्वर हैं. तो मेरा कहने का मतलब है, तो एक वो ज्ञान बढ़ता गया, और जब आपकी एक नॉलेज किसी पे बढ़ जाती है किसी भी खेल में या किसी भी फील्ड में, उसके बाद में क्या था कि जैसे हम ओलंपिक में मेडल के बहुत नज़दीक थे, मेरे दो साथी चौथे नंबर पर थे, तो हम ये सोचते थे कि हम जब फोर्थ आ सकते हैं तो हम फर्स्ट 3 में भी आ सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें प्रोत्साहित करती थी. दूसरी चीज़ जैसा बताया कि अभी कि ध्यानचंद जी जो थे वो चांद का इंतजार करते थे जी. तो मैं भी सवेरे 3 बजे उठ के मेहनत शुरू करता था, क्योंकि मेरे गांव में जो मेरे पिताजी थे, मेरे जो परिवार के बड़े लोग थे, वो ये कहते थे सुबह सुबह भगवान जो है वो सब कुछ बांटता है. अच्छा. तो उसको लूटना है तो वो 4 बजे से पहले लूट लो, ऐसी प्रथा बताते थे वो. तो मैं 3 बजे उसमें उठता था. और आप ये था कि गुरुजी हमें डांट के मेहनत करने से रोकते थे कि नहीं बीमार हो जाओगे, 8 घंटे 9 घंटे, और एक नशा सा रहता था कि देश को मेडल दिलाने. मैं 1974 में, मतलब जब 1972 में तो मैं 62 किलो में था जी. तो अगले साल मैं वहाँ से आया तो मैं 74 किलो में खेला और मैं 20 बार नेशनल चैंपियन. एक इंडिविजुअल गेम में बड़ा मुश्किल है नेशनल चैंपियन बनना, खेलना नहीं चैंपियन बनना. तो वो क्या था कि मेहनत थी, एक नशा था. 5,000 बैठक, 5,000 डंड, 10 किलोमीटर की रनिंग, 100 बार रस्ता, और 3-3 घंटे कुश्ती का अभ्यास. ऐसे हो जाता था जैसे थके वहीं मिट्टी पे पड़ जाते थे, वहीं पे ही वो बादाम लाके दे रहे हैं, दूध लाके दे रहे हैं. आपको उस समय में जब जिस तरह से आपने जिन परिस्थितियों का सामना किया वो कोई आसान नहीं है, एक जुनून था इसलिए आप सब कुछ लेते चले गए. आज जब आप अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को, जो आपके शिष्य हैं बच्चे हैं, उनको आप जब ट्रेन करते हैं जी, तो क्या आज आप देखते हैं, क्योंकि आज तो जमीन आसमान का बदलाव आ चुका है, तो आपको क्या लगता है कि बदलाव कितना ज्यादा आया और कितना अच्छे के लिए है आज? नहीं, उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने दिल्ली 1982 एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीता तो मुझे उस समय राज्यसभा में नॉमिनी कर रहे थे. मैंने कहा जी मुझे डायरेक्टर स्पोर्ट्स लगाओ, क्योंकि जो फैसिलिटीज हमें नहीं मिली वो हमें, हम बच्चों को देंगे. तो मैं बाहर जब दूसरे देश में जाता था तो वहाँ बहुत चीज़ें सीख देख के आता था मैं खेल की क्या सुविधाएं हैं उनके यहाँ, क्यों वो लोग हमारे से आगे हैं, उनकी कैसी फैसिलिटीज हैं. तो फिर उसके बाद में मैं ये चीज़ें सोचता था, तो मुझे दिल्ली यूपीएससी से दिल्ली सरकार में मुझे लगा दिया, डिप्टी डायरेक्टर लगा दिया, और मैं 10 साल तक मेरे पास कोई काम नहीं था, लेकिन मैं वाच करता था कि क्या एक और हम चीज़ें अच्छी कर सकते हैं, मैं खोजता रहता था. 10 साल बाद मेरे सीनियर अधिकारी रिटायर हुए तो मुझे दिल्ली का हेड बना दिया, और मैंने फिर सिर्फ टारगेट मेरा एक था, ओलंपिक मेडल, ओलंपिक गोल्ड, क्योंकि एशियाड के तो कॉमनवेल्थ के तो बहुत थे.
वो टारगेट थे और उसके गवाह भाटिया जी बैठे हैं। भाटिया जी जब नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये बात मैं इनको मीटिंग में कहता था। अच्छा, वो जब साई की मीटिंग में मुझे बुलाते थे तो लोग सब मेरा मजाक उड़ाते थे, बल्कि मेरे यहाँ डिपार्टमेंट में तो ये कहते थे वहाँ पेड़ पे मेडल लटका उसको उठा के लाना है। मैं कहा मैंने वही उतार के लाना है, और उसके लिए मैंने योजना बनाई। हाँ। उसके लिए फिर मैट है, उनके खाने का, उनकी ट्रेनिंग का जो सिस्टम, जो 10 घंटे की मैंने थी उसको 2 घंटे किया। उतने स्टेमिना, स्पीड, जो डाइट थी, जो मैं 10 किलो दूध पीता था वो 2 किलो पे किया कि उसको हजम करने में उनको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़े, और फिर वो नियम बदलते गए। और जब एक चीज़ मैंने और बहुत अच्छी की कि क्या था ना, जब मेन दिक्कत आती थी खाने की, पहलवान ज़्यादातर वेजिटेरियन होते हैं, तो सुशील के साथ भी यही था। तो सुशील जब बीजिंग में जा रहे थे तो खाने का मैंने 1 साल पहले बीजिंग में जाके पूरा अध्ययन किया कि अगस्त में वहाँ क्या मिलेगा, ओलंपिक में हमें क्या मिलेगा, तो वो खाना हमने अवेलेबल यहाँ बच्चों को पूरे साल वही खिलाया। टेम्परेचर जिसमें खेल होंगे एयर कंडीशन हॉल में कितना टेम्परेचर है वो उस पे ट्रेनिंग करवाई। तो ये चीजें जब हमारे सुविधाएं मिलने लगी तब तो मेडल आने शुरू हो गए। और ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊं कि एक सबसे ये जो खेल दिवस जब से शुरू किया है ना, इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। जो ये खेल दिवस हम भारतीय आज खेल दिवस मनाते हैं, इससे क्या है कि जो एक जनरेशन गांव में जो टैलेंट छिपा था, हाँ, वो सामने आ रहा है। तो वो छोटे टूर्नामेंट में, कबड्डी टूर्नामेंट, हॉकी टूर्नामेंट, कुश्ती टूर्नामेंट, तो उससे वो टैलेंट मिल रहा है। सतपाल जी, एक मिनट, आपने बहुत अच्छी बात उठाई, लेकिन मैं इसमें लाना चाहती हूँ भाटिया जी के यहाँ पे, बिकॉज आप जब साई में रह चुके हैं सो आपने खुद शुरुआत करी थी भाटिया जी इस पूरे इसी कंसेप्ट की, जो अभी सतपाल जी ने बोला कि गांव में छुपे हुए टैलेंट को बाहर लेकर आना, जो है स्पेसिफिक रीजन से बच्चों को निकाल के बाहर लाना, जहां जहां के कोनों से हो, इस बात पे हम बात करेंगे। एक समय अपने दर्शकों को भी कुछ बता दें कि हमारा आज ये फोन इन शो है। जी हाँ, अगर आप हमें देख रहे हैं इस समय और आपके मन में अगर कोई सवाल है तो हमारे साथ यहाँ हमारे 3 एक्सपर्ट्स बैठे हैं फ्रॉम द लाइन ऑफ स्पोर्ट्स। अगर आप खुद किसी भी स्पोर्ट्स की बात को लेकर जूझ रहे हैं तो आपकी स्क्रीन पर सामने एक नंबर आने वाला है, आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। नंबर है 01123097524, 2309-7524, ये हमारा नंबर है, उसके आगे दिल्ली का कोड लगाना ना भूलें, इसमें 011। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन नाउ भाटिया जी, सो जो हम आपसे जो पूछ रही थी वही बात कि आपने खुद शुरुआत करी थी कि छोटे छोटे कोनों से बच्चों को लेकर आए और उनको आगे बढ़ाए, हाउ डिड दैट होल कॉन्सेप्ट गो, उससे आपने क्या सीखा और उन चीज़ों से निकाल के आपने आगे क्या बदलाव लाया? ये एक मानी हुई बात है कि जब बच्चा छोटा है 4-5 साल से 10 साल तक, उसको आप खेलने दीजिए सिर्फ अपने शौक के लिए, फॉर ए जॉय एंड फन। और जैसे ही वो 10 साल से थोड़ा सा बड़ा होता है, 11-12 की उम्र में, तो फिर आपके पास 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक है ब्रॉड बेसिंग कि सबको खेलने दीजिए, दैट्स वेरी गुड, इट हैज़ टू बी डन। दूसरा है कि आपने जैसे सतपाल जी ने कहा ओलंपिक मेडल जीतने हैं, तो ओलंपिक मेडल के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि उस बच्चे का पोटेंशियल देखा जाए, पर आज की परफॉर्मेंस नहीं, जबकि वो पीक परफॉर्मेंस पे पहुंचेगा 21-22 की उम्र के अंदर, तो विल ही एबल टू गेट ओलंपिक मेडल। तो टू दैट स्पोर्ट्स साइंस जो है एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आज से कुछ साल पहले हमें इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए था, लेकिन वो धीरे धीरे अब इंट्रोड्यूस हो रहा है। मैं तो यहाँ तक जाता हूँ कि आप अपने घर में सबसे अच्छा खाना बना लीजिए, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा नमक डालना भूल जाइए तो आपका खाना जो है जब टेबल पे आएगा तो सारी फैमिली बोलेगी ये भी कोई खाना है। सही बात है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ स्पोर्ट्स साइंस। राइट। एंड भाटिया जी, यहाँ पे एक सेकंड पॉज, बिकॉज़ वी हैव अ कॉलर आल्सो जो हमें ज्वाइन कर रही है, जयश्री फ्रॉम महाराष्ट्र। हाय, गुड इवनिंग जयश्री, आप हमें सुन पा रही हैं? हेलो जयश्री, आप हमें सुन पा रही हैं? आई गेस हम तो उनको भी सुन नहीं पा रहे, बट हाँ, यू वर टेलिंग अस अबाउट, हाँ जी, ये जो सिस्टम था, मैं 1987 में देन सोवियत यूनियन में गया, वहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ गया था, तो उन्होंने, प्रधानमंत्री महोदय तो वापस आ गए, तो मुझे वहाँ 6 हफ्ते के लिए रोक दिया।
तो मैं सोवियत यूनियन का जो सिस्टम था स्काउटिंग ऑफ टैलेंट कि कौन सा बच्चा जो है वो पोटेंशियल रखता है जबकि पीक परफॉर्मेंस पे पहुंचेगा, तो उसको हमने नापने का सिस्टम शुरू कर दिया 88 से। जैसे सतपाल जी ने कहा, उसके अंदर हमने देखा, अब जिस बच्चे के अंदर स्ट्रेंथ है वो बच्चा जो है वो रेसलर अच्छा बन सकता है, जिसके अंदर स्पीड है वो एक अच्छा स्प्रिंटर बन सकता है, जिसमें स्पीड है और उसके साथ में स्ट्रेंथ है वो एक अच्छा पावर वाला बच्चा है, बॉक्सर अच्छा बन सकता है। तो इस चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने कई स्कीम चलाई, जिसमें एक नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट कॉन्टेस्ट स्कीम थी, 10 से 12 साल के बच्चों को हमने सेलेक्ट करना शुरू किया। फिर हमने एक नई स्कीम चलाई स्पेशल एरिया गेम्स, जो रिमोट एरिया में ट्राइबल एरिया के अंदर जिन बच्चों के अंदर क्षमता थी, जैसे आर्चरी में लिम्बाराम का आपने नाम सुना होगा, उस तरह कई बच्चे आए। हॉकी में हमने दिलीप तिरखे को चुना एक रिमोट कॉर्नर से, झारखंड में से। इस तरह कई बच्चों को लाते गए, भाईचुंग भुटिया को एक नामची गांव है छोटा सा सिक्किम के अंदर, वहां से उसको पकड़ा। और मुझे याद है कि उसके पिताजी कहते थे, भाटिया जी ये तो हिंदी पनी बोल नो सकता ही ना हिंदी नहीं बोल सकते, हाँ तो हिंदी पनी बोल नो सकता ही ना, और आप इसको एक इंग्लिश स्कूल में भेज के वहाँ पे फुटबॉल सिखाना चाहते हैं। भाईचुंग बिकेम वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉलर्स। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम इनके ऊपर जा चुके हैं, अब ज़रूरत है इसको और स्पीड देने की, टू गिव इट अ लिटिल मोर पुश, एंड आई एम श्योर वी विल बी एबल टू डू इट। सो अगर हम स्पीड और पुश की बात करते हैं तो देन लेट्स ब्रिंग इनटू पर्सपेक्टिव यहाँ पर जो अभी हाल ही में इनिशिएटिव शुरू किया गया, ये सतपाल जी आपके पास आ रहे हो, खेलो इंडिया की मैं चाहूँगी आप हमें थोड़ी बात बताएं। आई थिंक मैं शर्मा जी से थोड़ा सा शुरू करती हूँ, बिकॉज खेलो इंडिया इज अ वेरी वेल इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट, जिसमें हम देखते हैं कि सारे बच्चों को एक स्तर पर लाया जा रहा है जहाँ से उनको एक्सपोजर मिल सके, जिसमें हमारे देश के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर एंड एनबी मिनिस्टर भी हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी, वो भी बहुत इनिशिएटिव ले रहे हैं इसके आगे। इट्स व्हाट वुड यू वांट टू से कि इस इनिशिएटिव से अगर हम 2020 ओलंपिक्स की बात करें, अभी तो एशियन गेम्स चल ही रहे हैं, लेकिन आने वाले लेट्स नॉट इवन लुक एट ओलंपिक्स, लेट्स लुक एट 5 years एज अ टारगेट, 5 to 10 years कम स्पैन में रखें, तो इस 2024 की 2028 जी हाँ जी, उसमें आप क्या देखते हैं, इस इनिशिएटिव के जरिए क्या बदलाव आ सकते हैं और क्या किए जा सकते हैं? मैं सरकार को इसके लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को और पूरी सरकार को, हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उनको खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए बधाई देना चाहूँगा। एक समेकित कार्यक्रम है, इंटेग्रेटेड प्रोग्राम है। देखिए जैसे मैंने कहा कि नर्सरीज में फ्रीडम होनी चाहिए, मैं सिलेक्शन वर्ड के खिलाफ हूँ, फ्रीडम होनी चाहिए, जो बच्चा आना चाहते हैं आने दीजिए, आप आउटरीच जो है उसको स्ट्रेंथन करिए। टूडेज यंग पीपल आर मोस्ट कनेक्टेड, मोस्ट वेल कनेक्टेड इन द हिस्ट्री, उसको आप एसएमएस के जरिए से उनको जानकारी दीजिए, चिल्ड्रन बच्चों को जितना जोड़िएगा आने दीजिए, नर्सरीज को स्ट्रेंथन करिए। एक उनमें से आप जैसे भाटिया साहब ने कहा पोटेंशियल ग्रेडेशन करिए, तो अपने लॉन्ग टर्म प्लान में उन बच्चों को आप जोड़ लीजिए हर एक गेम के लिए, और देयर शुड बी फ्रीडम टू प्ले। ये नहीं कि साहब 7 से 8 खेलना, आपको लेट देम प्ले, रात को प्रैक्टिस करना चाहता है लेट देम प्रैक्टिस इन द नाइट, लेट देम प्रैक्टिस एट टाइम व्हिच सूट्स हिम द बेस्ट, टैलेंट डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली इट फ्लरिश। यू मीन अ फ्री माइंडेड प्ले, फ्री माइंडेड मतलब आराम से बिना प्रेशर के बच्चे के हाँ, exactly, बिना प्रेशर के लेट देम शो हिज टैलेंट। तो उसके बाद में आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म आप आगे के 3 ओलंपिक्स सोचे चलिए, जैसे सतपाल जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि साहब क्या वहाँ पे खाना मिलेगा, कैसा टेम्परेचर होगा, कितना मॉइस्चर होगा, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं जब टीम डेवलपमेंट होती है। तो आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करिए, शॉर्ट टर्म प्लानिंग करिए, हाई ग्रेड ट्रेनिंग दिलाइए, उनको एक्लिमेटाइज कराइए, जिस जहाँ पे ओलंपिक्स होनी है जिस सीजन में होनी है एक्लिमेटाइज कराइए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग में लेके आइए आप। कोई वजह नहीं है कि साहब हमारे प्लेयर्स मेडल्स लाएं, और नर्सरीज की स्ट्रेंथ को बढ़ाइए जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए। ये नहीं कि साहब एक बार 11 प्लेयर हमने सिलेक्ट कर लिए, आगे नहीं है, नेक्स्ट बेंच स्ट्रेंथ है ही नहीं हमारी, वो शुड हैव 11 करनी है तो कम से कम 1100 प्लेयर हमारे पास तैयार होने चाहिए, सो जो ब्रॉड रेंज ब्रॉड बेस जिसमें से हम सिलेक्शन कर पाए। राइट, सतपाल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि एक कुछ हमारे जो देश का दुर्भाग्य था ये कि कुछ जो खिलाड़ी बहुत टैलेंटेड होते हैं, एक उनका टारगेट जो था ना सिर्फ जॉब नौकरी, मैंने उसको चेंज किया। क्या था कि मेरे पास में कम से कम भी 40 बच्चे
ऐसे थे जो सुशील से भी अच्छे थे, जो वर्ल्ड कैडेट में, वर्ल्ड जूनियर में गोल्ड लेके आए एक तरफ। अगर आप 20 साल में गोल्ड, 20 साल की उम्र में आप देश को वर्ल्ड में गोल्ड मेडल दिला सकते हैं, तो आप ओलंपिक में भी दिला सकते हैं। लेकिन क्या टारगेट था? वो नौकरी मिल गई, उसके बाद शादी हो गई, उनका टारगेट, एक टारगेट उनका पूरा हो गया। और इसी टारगेट को मैंने रोका सुशील पे, योगेश्वर पे, इन पे मैंने, ये भी नौकरी लग रहे थे इनको, उसमें डीएसपी भर्ती कर रहे थे, मैंने कहा नहीं, मैं खिलाऊंगा तुम्हें नौकरी, मैं दूंगा जो भी मेरे से होगा, पर मेरी जो एक भूख है, मेरे देश की जो भूख है ओलंपिक मेडल, वो चाहिए मुझे। और वो एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, और उनके परिवार ने भी एक्सेप्ट कर लिया, वो नहीं गए नौकरी पे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जैसे भाटिया जी ने बताया ये कि हमने ये स्कीम शुरू की, वो स्कीम बहुत अच्छी थी, लेकिन उसमें दुर्भाग्य क्या था? उसमें ये दुर्भाग्य था कि जो आदमी उस स्कीम को वहाँ कर रहे थे, यहाँ तो इन्होंने बहुत अच्छा उसको डेवलप किया एक एक चीज़, क्योंकि मैं इनके साथ मीटिंग में रहता था, उसमें क्या किया कि जो उनके रिलेटिव थे उनको एडमिशन दे दिए, क्योंकि हॉस्टल में रहना था, पढ़ाई फ्री थी, वो चीज़ें। तो वो चीज़ें अगर 100 में से 10 बच्चे भी उसमें ऐसे आ गए तो वो उस 90 को भी डिस्टर्ब करेंगे। क्योंकि मेरे पास आज 400 बच्चे हैं और 400 में से 180 इंटरनेशनल हैं, रेसलिंग की बात कर रहा हूँ मैं। और मैं ये मान के चलता हूँ कि अगले 2020 में ही ओलंपिक में कम से कम हम 3 गोल्ड जीत सकते हैं कुश्ती में, जो टैलेंट जिस हिसाब से है और जिस हिसाब से सरकार सुविधाएं दे रही है, एक सबसे अच्छी बात ये है। आपने कहा सरकार जिस तरह से सुविधाएं दे रही है, किस तरह की सुविधाएं? सरकार ये सुविधाएं दे रही है कि जब हम खेलते थे तो हमें 2 साल में एक इंटरनेशनल कंपटीशन मिलता था। आज सरकार ने एक चुनिंदा खिलाड़ियों की लिस्ट बना दी, आप जिस मर्जी को कोच रखो, आप अपने साथ फिजियो रखो, आप अपने साथ डाइटिशियन रखो, आप किसी भी कंट्री में जाकर ट्रेनिंग करो, फर्स्ट ये। उसके बाद में कंपटीशन, साल में आपको 6-10 जितने कंपटीशन खेलने हैं आप खेलो। हमें 2 साल में कॉमनवेल्थ गेम होते थे, 4 साल में जी, 2 साल बाद ओलंपिक होते थे, बीच का ये फर्क था, तो वही कंपटीशन मिलते थे। तो जब आपको एक अपने प्रतिनिधि का पता नहीं चलेगा कि वो कैसे खेल रहे हैं, उनकी तैयारी कैसी है, अब उसका ये सरकार ने बेनिफिट दे दिया, एक खिलाड़ी के ऊपर 6-6 व्यक्ति लगे हुए हैं और उनके लिए कैसा उनके इम्प्रूवमेंट है। और उनके ऊपर वर्क कुश्ती में तो खासकर अभी सतपाल जी, एक मिनट, एक कॉलर भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, एमपी से सुरेंद्र हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र आप हमें सुन सकते हैं? नमस्कार, गुड इवनिंग सुरेंद्र। हाँ हम आपको सुन पा रहे हैं, गुड इवनिंग सुरेंद्र जी। नमस्कार, पूछिए आप अपना सवाल जी। सवाल ये है कि जिससे बच्चों को शुरू से कैसा खाना दिया जाए ताकि वो आगे से मतलब परफॉर्मेंस करें, डाइट के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। बच्चों की डाइट के ऊपर ये पूछ रहे हैं कि कैसा खाना खिलाया जाए ताकि वो आगे चल के स्पोर्ट्स प्लेयर का एक स्टैमिना अपने अंदर बना सके। जी बताएं सतपाल जी। नहीं, जो शर्मा जी बताओ, मैं बताता हूँ, मैं तीनों से ही पूछ रहा हूँ। तो ये तो मेरे तो सब ये हमारे को तो बनाने वाले यही हैं लोग, उनका आशीर्वाद है। पहले आप, तो क्या है कि जैसे मैं छोटा सा था तो मैं, मेरे पिताजी मुझे गाय का दूध पिलाते थे, दूध और देसी की मुझे याद है। गाय का दूध से क्या है कि जो बच्चे की जो एक स्पीड है, उसकी जो हड्डियों में जो एक कैल्शियम की हमें रिक्वायरमेंट बच्चे को बढ़ने की होती है, आप देखोगे गाय का बछड़ा है वो 1 मिनट में खड़ा हो जाता है पैदा होते ही। और भैंस का जो दूध है वो उसमें पावर है, ताकत के लिए वो हमें चाहिए, वो बाद में दो। अगर छोटा बच्चा है तो आप उसको गाय का दूध दो, और जो फ्रूट है या अगर वो बच्चा वेजिटेरियन है तो उसको फ्रूट्स, ग्रीन सब्जियाँ, उनका सूप बना के उसमें 5 किलो पानी से 1 किलो बच जाए तो उसको आप दो। बादाम की ठंडाई है, ऐसी चीज़ें जो कि जो उसको बदहजमी नहीं करे। आप उसको घी मत खिलाओ, आप उसको घी खिलाओगे छोटे बच्चों को, उसकी हड्डी चिकनी हो जाएंगी तो उसमें ग्रोथ नहीं होगी। तो आप उसको दूध पिलाओ, फ्रूट्स है, सलाद है, ये ऐसी चीज़ें। और अगर नॉन वेज का है तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है कि नॉन वेज में क्या, क्योंकि मैं, मेरे ज़्यादा सब शिष्य शाकाहारी है। और लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इतनी ताकत उसमें बनती है,
मैं खुद अपने जीवन में 3000 से ज्यादा कुश्ती जीता हूँ, तो 3000 कुश्ती जब भी जीतता हूँ, एक दिन में 21 कुश्तियों का शर्मा जी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो वो इसीलिए बच्चों को आप जो भी खिलाएं तो वो उनको हैवी नहीं दें, जिससे बच्चे को आगे बढ़ने में और उसको हजम करने में, और एकदम उसको ज्यादा नहीं खिलाएं, थोड़ा 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 करके एक घंटे के बाद, डेढ़ घंटे के बाद, दो घंटे के बाद उसको ऐसे देते हैं। भाटी जी आपके पास आते हैं अब, और आप ये तो मुझे बताइए इंगई कि क्या डाइट होनी चाहिए, उसके साथ में एक चीज़ और भी चाहती हूँ आप बताएं कि इस समय प्रेजेंट सिनेरियो में जब आप देखते हैं खेलो इंडिया के बारे में, तो आप क्या चीज़ें देखते हैं जिसके ऊपर और काम किया जा सकता है? जो मैं पूछ रही थी कि 5 से 10 साल को अगर हम लेकर चलें, तो इन सालों के अंदर अगर हम एक आगे का टारगेट लंबा बनाएं, तो क्या वो क्षेत्र हैं, क्या वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है ओवरऑल अगर हमें स्पोर्ट्स को देश में लेके जाना है? पहले तो मैं एक मिनट सिर्फ ये डाइट पे, डाइट पे तो आप जरूर बताएं। हाँ जी, डाइट जो है ये स्पोर्ट्स स्पेसिफिक होनी चाहिए। आप जो डाइट रेसलर को देते हैं वो आप जिमनास्ट को नहीं दे सकते, वो आप स्विमर को नहीं दे सकते। तो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक, अगर उसने, एक रेसलर ने अगर 3000 कैलोरी आज बर्न करनी है तो उसको 3000 से थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा, लेकिन अगर जिमनास्ट जो है उसने सिर्फ बैलेंस एक्सरसाइज करनी है और उसने उस दिन 1200 या 1600 कैलोरीज स्पेंड करना है, तो उसके मुताबिक उसको डाइट देनी है। सो डाइट हैज़ टू बी ए स्पोर्ट स्पेसिफिक। देन डाइट ऑल्सो हैज़ टू बी स्पेसिफिक टू द पीरियड ऑफ योर ट्रेनिंग। अगर आप बिल्कुल स्पोर्ट्स में कॉम्पिटिशन के लिए जाने वाले हैं तो उससे पहले कुछ दिन पहले आप उसकी डाइट को थोड़ा रेगुलेट कर देते हैं, पहले उसको ज़्यादा देते हैं, लेकिन बिल्कुल हफ्ता 10 दिन पहले उसको रेगुलेट कर देते हैं। बॉडी, दिमाग और शरीर और माइंड को एडजस्ट होने की जरूरत है। करेक्ट, राइट। अब दूसरा आपने पूछा कि क्या अभी गवर्नमेंट जो कर रही है ये ठीक है और करने की इसमें और क्या चीजें हैं जिनके ऊपर काम किया जा सकता है? बहुत चीजें हैं, देयर इज वर्चुअली नो एंड टू इट। अभी जो खेलो इंडिया है, खेलो इंडिया हम बेसिकली ब्लॉक लेवल से लेकर के डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट, स्टेट से नेशनल लेवल हम खिलाड़ियों को खिलाते हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड हम उनको आगे ले जाते हैं। लेकिन अगर हमने एक्सेलेंस में जाना है, मैंने पहले भी कहा परफॉर्मेंस जो है वो ब्रॉड बेसिंग के लिए बड़ी अच्छी है और करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन हमें अगर अपने एक्सेलेंस मीन्स ओलंपिक्स के ऊपर जाना है तो फिर हमने उनकी सिलेक्शन नहीं करनी, उनकी आइडेंटिफिकेशन करनी है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन। सिलेक्शन जो है वो परफॉर्मेंस बेस्ड है। आज 4 बच्चे जो हैं इनको सुविधाएं ज़्यादा मिली, उनको समय मिला, उनके माता पिता ने उनको इनक्रेज किया, वो खेले, तो वो 16 साल की उम्र में बड़ा अच्छा खेलता है, आपने उसको पिकअप करके हॉस्टल में डाल दिया। जब उसको असेस करते हैं उसकी मोटर क्वालिटीज़ को, स्पीड, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इंड्योरेंस, स्पीड इंड्योरेंस, तो आप देखते हैं कि इस बच्चे के अंदर कुछ चीज़ें हैं कुछ नहीं हैं। मैं इस बात को बड़ा मानता हूँ कि स्पीड जो है ये लगभग 85-90% जेनेटिक है, पेरेंट्स से आती है। यही पूछने वाले थे अभी। हाँ, ये जेनेटिक है, इंप्रोवाइज नहीं हो सकता। 80-85%, लेकिन फिर भी 15% आप इसको डेवलप कर सकते हो। पर जब आता है स्ट्रेंथ का, उसको आप ज़्यादा डेवलप कर सकते हो। अगर 20% भी है तो आप 80% और डेवलप कर सकते हो। अगर एजिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी है उसको आप डेवलप कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इट इज़ नाउ ए पार्ट ऑफ द स्पोर्ट्स साइंस। बट हाउ इम्पॉर्टेंट डू थिंक यहाँ पर कम्स द रोल ऑफ द पेरेंट्स एंड द एनवायरनमेंट जिसमें बच्चा पड़ा हो रहा है? बिकॉज एक माइंडसेट को चेंज होना, जो भी सतपाल जी ने बात बोली थी कि कैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कि नौकरी मिल जाएगी, शादी हो जाएगी, ये चीज़ें एक इंसान की अपब्रिंगिंग में, साइकी में बहुत सारी चीज़ों से बनती चली आती है। होना भी चाहिए, कितना इम्पोर्टेंट है कि पेरेंट्स कई बार देखो, आज एक बच्चा जो है वो कम से कम 6 से 8 साल मेहनत करता है इससे पहले कि उसको एशियन और ओलंपिक मेडल मिले। सही बात है, 6 से 8 साल। उसी टाइम के अंदर दूसरा बच्चा, उसका जो कंटेम्प्रेरी है, उसका पीयर है, वो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, आईआईटी में जा रहा है, वो 8 घंटे पढ़ता है, ये 8 घंटे कुश्ती के मैदान में है या हॉकी के मैदान में है, फर्क है ना दोनों में। तो उसके बदले में उसको नौकरी तो मिलनी चाहिए ना। मैं नौकरी के, नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन नौकरी के बाद जैसे सतपाल जी ने कहा कि मैंने उसको कहा कि भाई तू, मैं तेरे को डिप्टी सुपरिटेंडेंट बनवाऊंगा, ये मेरी जिम्मेवारी है, उन्होंने जिम्मेवारी आपने ऊपर ले ली। पर मैंने बात तो माँ बाप की करी,
सबसे इम्पोर्टेंट तो बात माँ बाप की है और एनवायरमेंटल ब्रिंगिंग में जहाँ पे हम देखते हैं कि कई बार पेरेंट्स और फैमिलीज इस हित में नहीं होती हैं कि हमारा बच्चा स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जाए, बिकॉज स्पोर्ट्स के अंदर जाके इसकी बाकी जिंदगी एक तरफ हो जाएगी, वो कैसे आप बदलाव? आज हमारे देश के अंदर सबसे पहले अगर स्पोर्ट्स को एक्सेलेंस लेवल पे ले जाना है, द पेरेंटल एटीट्यूड हैज टू बी चेंज। यही मैं पूछ रही थी। अब वो जो पेरेंट्स हैं, जैसे ही बच्चा 10 क्लास में पहुंचता है तो क्या सुनने को मिलता है? बेटा आप खेलना बंद कर दो, आप 10 क्लास में आ गए हो। 90% पेरेंट्स से दिस वाई, वो जो फीवर चला है ना 95% का फीवर, ये फीवर हिंदुस्तान को ले डूबेगा। पॉज ऑन दैट वन मिनट, कॉलर इज जॉइनिंग अस आल्सो भाटी जी, मैं इस पे कार्य करूंगी। देवयांशु फ्रॉम बिहार, हाय देवयांशु, गुड इवनिंग, आप हमें सुन पा रहे हैं? यस, हाय मैम, गुड इवनिंग देवयांशु, प्लीज पूछिए। जी बताएं। जी मैं पूछ रहा था कि जो बड़े देश है जैसे कि अमेरिका, जो ओलंपिक में बहुत सारे मेडल जीत चुके हैं, तो उनके प्रतिभागी के आत्मविश्वास और हमारे प्रतिभागी जो देश के जो कम मेडल जीत चुके हैं उनमें क्या आत्मविश्वास कहाँ तक फर्क डालता है? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है, शुक्रिया। बेसिकली सेल्फ कॉन्फिडेंस, जी जी शर्मा जी, मैं फिर आपसे भी पूछ लेती हूँ। हाँ जी, उन्होंने बड़ा वाजिब सवाल पूछा है। मैं आज ही मेडल्स की टैली देख रहा था, हमारी एशियन अभी जो गेम्स चल रहे हैं जी, मैं आपको फेल्प्स डॉज की बात बताता हूँ जी। 9 गोल्ड मेडल उस अकेले आदमी ने जीते स्विमिंग में। यस, आप जानती हैं? यस यस, हम लोगों ने आज के जो मेडल टैली में लेटेस्ट देख रहा हूँ, हमने 50 मेडल जीते जिसमें से 9 गोल्ड, 19 सिल्वर और 22 ब्रॉन्ज मेडल्स। चाइना ने कितने जीते? 99 गोल्ड, 65 सिल्वर और 48, 212 टोटल जीते उन्होंने। जापान ने 148 जीते। जैसे मैंने कहा, नर्सरी से लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर लीजिए। जब आपको हर लेवल पे जाना है, बियॉन्ड ए थ्रेशोल्ड लेवल, जिस जहाँ पे आपने देखा कि साहब ये प्लेयर्स मैंने 500 सिलेक्ट कर लिए जिनको हर एक डिसिप्लिन में मुझे आगे बढ़ाना है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करिए। तो सतपाल जी ने जो बातें कही, टेम्परेचर वहाँ का क्या है, वहाँ का खाना क्या है, उन्होंने डाइट स्पेसिफिक की बात कही फॉर ईच ऑफ द स्पोर्ट्स, ये चीज़ आपको स्पेशलाइज फील्ड में ले जाना होगा। मैं आपको एक और बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। 4 कॉलेजेस सेटअप हुए थे पंजाब में 1961 में, स्टेट कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स जलंधर, लालपुर खालसा कॉलेज, डीएवी कॉलेज अमृतसर, लालपुर खालसा कॉलेज और ये खालसा कॉलेज अमृतसर, 4 कॉलेजेस में ये जो स्टेट कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स था उसमें प्लेयर को सारी चीज फ्री दी जाती थी। कैरन साहब ने शुरू किया था 1961 में, सोमनाथ वाज द प्रिंसिपल, और वहां से सारे प्लेयर्स आते थे, क्रीम ऑफ द प्लेयर्स। ये प्रथा आज भी वहां पे जारी है। अब मेरा ये कहना है कि आपको प्लेयर्स के नर्सरीज और सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस जितने सेटअप कर सकें करें, और उसमें ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स को इंडक्ट करिए, गिव देम फ्री एजुकेशन। 8 घंटे गेम खेलते थे वो प्लेयर्स। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मीन स्पोर्ट्स एजुकेशन और एजुकेशन, देखिए उसका स्पेशल मिक्स होता है। मैं तो आपको अभी भी सिलेबस उसका बता सकता हूँ, शायद यहाँ प्रोग्राम का टाइम टेबल इतना नहीं होगा। उसमें स्पोर्ट्स के मार्क्स आप अलग दीजिए उनको, स्पोर्ट्स को नौकरी की फिक्र नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मेरी अच्छी बात कही, उसी तरह की पॉलिसी बना दीजिए, बस वो सबसे जरूरी है। मेक ए पॉलिसी, क्योंकि देखो जैसे माँ बाप इतना खर्चा करते हैं, हाँ। वो कर्जा लेके उसको खिलाते हैं अपने बच्चे को, उनके पास नहीं है इतना। एक बच्चे को वो इतना अपनी जमीन रख के या अपने रिलेटिव से उधार लेके वो खिलाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज अभी जो सरकार इतनी सुविधाएं दे रही है तो वो उनको दें। अगर एक बच्चा आपका 15 साल का बच्चा है, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज लेके आता है तो वो टैलेंट है। अब जैसे भाटिया जी ने एक बात बताई, मैं उससे इस बात से सहमत हूँ भाटिया जी से कि एक ग्रुप बना दे उन बच्चों का कि जो आप सेलेक्ट करके बना रहे हैं। एक बच्चा अगर मान लो 20 साल में वर्ल्ड में गोल्ड मेडल लेके आ रहा है तो इसका मतलब वो फिट है। सही बात है, वो जब भी तो गोल्ड लेके आ रहा है ना कि वो फिट है, चाहे वो किसी भी तरह की ट्रेनिंग से आ रहा है। तो एक तो हम उस पर ध्यान दें। एक जो भाटिया जी ने बताया कि हम वो एक नीचे से लाएं कोई ऐसा स्कूल, और सबसे एक हमारी कमी कहाँ रहती है कि मान लो अगर मैं हूँ,
मेरे को रेसलिंग की टीम दे दी। तो ये चीजें जो हमें चाइना का पढ़ के बता रहे थे अभी शर्मा जी, उसका रीजन यही था कि जब तक चाइना की पॉलिसी पूरी सक्सेस नहीं होली, उन्होंने पार्टिसिपेट बंद कर दिया था, बिल्कुल बंद कर दिया, और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जिम्मेवारी होनी चाहिए। अगर आपने मेरे को दिया है कि भाई ये रेसलिंग देख रहे हैं और मैं सब फैसिलिटीज मुझे जो मैं मांग रहा हूँ वो मिल रही है, फिर भी रिजल्ट नहीं आते, तो मेरे खिलाफ एक्शन होना चाहिए, मेरे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एक सिंह सतपाल जी, आपसे एक कॉलर भी कुछ पूछना चाह रही है हमारे साथ, संतोष दिल्ली से जुड़ रही है। संतोष, हमें सुन पा रही हैं आप? हाँ जी, नमस्कार मैम, गुड इवनिंग, नमस्कार। हाँ जी मैम, मेरा क्वेश्चन सतपाल जी से है जी, कि मेरा बेटा है 17 साल का है और वो काफी टाइम से रेसलिंग की तैयारी कर रहा है और जाता भी है अखाड़े में जी, लेकिन वो कई जगह जो ये होती है रेसलिंग इंस्टीट्यूट वहाँ पर गया है, लेकिन कहीं पर ना तो कोई एडमिशन देता है ना ही कोई बुलाता है, बोल देते हैं जगह ही नहीं है जाओ वापस। और बहुत आगे बढ़ना चाहता है, वो कुश्तियां भी करता है, कई जगह उसने कुश्तियां की हैं और जीता भी है, लेकिन उसको क्या करें, कैसे आगे बढ़ेगा बच्चा, ये हमारा क्वेश्चन था। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही। कई बार हमारे पास भी बच्चे 76 स्टेडियम में आते हैं क्योंकि वहाँ कमरों में इतनी ही जगह है कि हम इतने बच्चों को, लेकिन फिर भी अगर जैसा आपने बताया कि आपका बेटा अच्छा है तो आप इसको 76 स्टेडियम में लेके आओ और इसकी हम ट्रायल लेंगे। अगर हमें ये लगेगा कि ये बच्चा बहुत आगे बढ़ने वाला है तो इसको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी हमारे वहाँ पे, और यही मैं चाहता हूँ। अभी जो आप जैसे पेरेंट्स, आप जैसे पेरेंट्स जब ऐसी बातें करते हैं तो हमारा मनोबल और बढ़ता है कि हम बच्चों के लिए और अच्छा करें। तो इसीलिए मैं आपको भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये सवाल पूछा, और इसकी जितनी मेरे से उस बच्चे की मदद होगी, क्योंकि वो कुश्ती का बच्चा है, और मैं ये मानता हूँ कि हमारे यहाँ तो देश में खान है टैलेंट की, बस ढूंढने की जरूरत है, बस उसको ढूंढने की जरूरत है और उनको अच्छी गाइडलाइन देने की जरूरत है। कमिंग बैक टू भाटिया, लेट मी पुट, आई जस्ट वांट टू कम टू, आई विल कम टू यू, लेट मी पुट, जस्ट वन मिनट, लेट मी पुट, ये जो बात हुई अभी वार्तालाप हुआ, इसको मैं संज्ञा देता हूँ ब्रेक द बैरियर, ब्रेकिंग द बैरियर्स। ये बैरियर्स को जब तक हम नहीं तोड़ेंगे, फ्रीडम उन्होंने कहा ले आओ बच्चा, मेरे यहाँ पे हॉकी का, मैं कहता हूँ सर ले आओ बच्चा, सही बात, रोकना नहीं, मैं सिलेक्शन करूंगा, मैं आपके लिए ये करूंगा ये करूंगा, नहीं बच्चे को आने दीजिए, ले आओ, 3 साल की बच्ची मेरे यहाँ हॉकी खेल रही है, आकर के एक से एक बढ़िया प्लेयर निकलते हैं, पर आप ऊपर वाले लेवल पे आके वेयर द स्टेट इंस्टीट्यूशंस, नेशनल इंस्टीट्यूशंस टेक ओवर, यस वी विल पुट यू इन द फील्ड ऑफ एक्सीलेंस। ये तो मैं खुद जानती हूँ, आप लोग वो लोग हो जो बच्चों को छोटी उम्र से उनको आप पूरी तरह से मोल्ड कर रहे हैं, जब तक वो बच्चा 13-14 साल का होगा वो अपने आप में इतना काबिल बन ही जाएगा। जैसे ये बच्चा था, इनको सिर्फ राह दिखाने की एक जरूरत है, जो अगर आपके पास आए और आपको लगेगा तो वहाँ से ही आगे राह मिलेगी इनको। नाउ लेट मी कम टू भाटिया जी, यहाँ पर जी भाटिया जी, आप ये हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर महोदय, यस, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, स्पोर्ट्स इज स्टिल ए फ्रिंज एक्टिविटी, और इसके अंदर उन्होंने ये अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि अगर एक बच्चा अपने स्कूल में गोल्ड मेडल लेके आ जाता है लेकिन संस्कृत के अंदर उस बच्चे का पॉइंट थोड़े कम आ जाते हैं तो उसका जो टीचर है उसको स्कूल से कहता है मैं तेरे को निकाल दूंगा। ज्योग्राफी में अगर उसके थोड़े से पॉइंट कम आ जाते हैं, 60% आते हैं तो कहते तो बड़ा निकम्मा है, चाहे वो गोल्ड मेडल लेके आया हो। अगर ये हमारा एटीट्यूड रहता है तो मेरी निवेदन ये है, सबसे पहले हमें अपने पेरेंट्स का एटीट्यूड चेंज करना मैंने है। तभी आपसे उस समय पूछा था, और साथ में एजुकेटर्स का, हमारी एजुकेशन जो है, लेट मी एक्सप्लेन, एजुकेशन इज नॉट ओनली एकेडमिक्स, एकेडमिक इज ओनली वन पार्ट ऑफ एजुकेशन, इट हैज़ गॉट 3 अदर कार्डिनल कॉम्पोनेंट्स, और वो कार्डिनल कॉम्पोनेंट्स हैं एडवेंचर एक्टिविटीज, कल्चरल हेरिटेज एंड स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स जो है वो आपको टीम बिल्डिंग, विल टू विन, कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, अगर मैं अपनी टीम के साथ कोऑपरेट नहीं करता तो वो लोग मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, आई कैन नॉट स्कोर द गोल ऑल बाय माई सेल्फ। सो देयरफॉर बड़ा ज़रूरी है कि आज हमें, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, पेरेंट्स के एटीट्यूड तो इतना अच्छा है, देखिए इनके सामने पेरेंट ले आए, मेरे यहाँ पे 30-30 किलोमीटर से चल के पेरेंट्स लेके आते हैं बच्चों को हॉकी खिलाने के लिए, यू कैन कम एंड सी दैट, पेरेंट्स का एटीट्यूड बहुत अच्छा है। मैं कह रहा हूँ ब्रेकिंग द बैरियर्स,
कहां ब्रेक हो रहे हैं बैरियर्स? इट्स गुड टू हैव डिफरेंट ओपिनियंस, आई एम श्योर। हां नहीं, ओपिनियंस की बात नहीं है, यहां प्रैक्टिस की बात है, पर्सपेक्टिव। हां, एक खिलाड़ी की कमेंट में भी रहा हूं मैं, यहां भी जो हॉकी खिलाता हूं बच्चों को, मेरे यहां जिसने कह दिया कि सर मैं खेलना चाहता हूं, कहूंगा आ जा बेटा, मेरे को क्या है, 6 की जगह 8 टीम्स कर लेनी है, 8 की जगह 10 कर लेनी है। नर्सरी को अलाउ करिए ग्रो करने के लिए, वो पेरेंट्स का एटीट्यूड है ही। आप मेरे पास 30-30 किलोमीटर से पेरेंट्स लेके आते हैं बच्चों को। लेकिन मैं समझ रही हूँ बात, ठीक है। मैं सी आई एम नॉट आउट देयर ऑन द फील्ड जैसे आप लोग फील्ड पे हैं, लेकिन देखा मैंने भी बहुत कुछ। अगर हम भारत की, इफ़ आई वुड टू जस्ट गिव एन आयोटा ऑफ यहाँ पे व्हाट यू से बेनिफिट ऑफ डाउट भाटिया जी, तो हम एक चीज़ जानते हैं कि भारत में 80-85% जो आबादी है वो अभी भी रूरल एरिया से है, जहाँ पे विच इज़ बिलो द पॉवर्टी लाइन भी अगर देखी जाए, उनके लिए रोज़ की 2 रोटी और कमाई बहुत ज़रूरी है। तो उस एरिया से जहाँ से अगर ये कहते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो आप बात कह रहे हैं वो गलत है, वो सही है, बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं, लेकिन अगर हम मेजॉरिटी परस्पेक्टिव में देखें तो भाटिया जी, मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे माँ बाप भी होंगे शर्मा जी, जो कहेंगे कि हमें इससे पैसे कब मिलेंगे, यहाँ से कमाई क्या आएगी, ये खेल में ही अगर अपनी ज़िंदगी बिता देगा तो हमें खाना कहाँ से मिलेगा, बिकॉज वो गरीब बहुत है। तो उस पर्सपेक्टिव को बदलने के लिए मैंने इनसे सवाल पूछा था कि माँ बाप की सोच, जिस इंसान की सोच इस बात पे निर्भर है कि चलो ये स्पोर्ट्स में जाए, ये खेल में जाए, लेकिन वहाँ से कुछ कमा के घर के लिए लेकर आए, क्योंकि हम चलाएंगे कैसे अपनी ज़िंदगी, उसको उस चीज़ में आश्वासन मिलना और उसको वो चीज़ मिलना। हाँ जी जी, एक विधवा औरत जी मेरे पास आई, मिसेस घोष उनका नाम था, कलकत्ता में, मैं उस वक्त कलकत्ता में पोस्टेड था रीजनल डायरेक्टर, और उनका बेटा जो था वो नेशनल टीम में हमने हॉकी में डाला था, अमित घोष अगर आपको याद हो। तो उसने कहा भाटिया जी मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने इसको नेशनल टीम में ले लिया, मेरे पति नहीं है, मैं विधवा हूँ, ये कब से कमा के घर में रोटी लाएगा। अब अगर आप ऐसे देखें तो हमारे देश के अंदर एक ऐसा अमित घोष नहीं, कई हैं। नहीं, मैं बैठा आपके सामने। हमने बच्चों को सपोर्ट किया कैरियर डेवलपमेंट में, कैसे, मेरे पास में 20 केसेस आते हैं जहां पे बच्चों को हमने वो हर एक एवरी डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वो बच्चों को इनकरेज करते हैं। मैंने, मेरे सामने एक लड़का था उमेश, स्टार प्लेयर हॉकी का, ही यूज्ड टू वीव हिज वे, ऑडिट में आ गया। हमारा एक और लड़का था नवनीत, आज की तारीख में 500 किलोमीटर साइकिल चलाता है बिल्कुल। इसके बारे में रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में एश्योरेंस का कुछ, यदि वी कैन गिव एश्योरेंस टू द यंग पीपल, यूथ वुड कलेक्ट इन ए लार्जर नंबर टू द स्पोर्ट्स। मैं जब 67 में पहलवानी करने आया तो मुझे 10 रुपये महीना मिलते थे, और 10 रुपये में सब्जी भी आ जाती थी, मसाले भी आ जाते थे, मिट्टी का तेल भी आ जाता था, और कोई अगर स्कूल में शिकंजी का गिलास पीना है 2 पैसे का 3 पैसे का वो भी पी लेते। कभी स्टोव में पिन टूट जाती थी, खाना नहीं मिलता था, भूखे सो जाते थे। और जहाँ मैं सोता था, एक साल तक मैं एक, मेरे पास कोई रूम नहीं था, मैं एक पेड़ था शीशम का, उसके नीचे रहता था एक साल तक। तो बारिश आ गई तो वहाँ कमर लगा के बैठ गए, और नहीं तो अपने बिस्तर लंबा करके सो गए। उसके बाद मैं क्या हुआ कि ये नहीं कि मैं गरीब परिवार से था, मेरे 300 बीघे जमीन थी मेरे परिवार वालों के, लेकिन पैसा नहीं था उनके पास। 1967 की बात बता रहा हूँ मैं, जमीन थी 300 बीघे, परिवार में कोई शादी हो जाती थी तो कर्जा होता था, तो सिर्फ घी दूध वो मुझे खूब मौज का मिलता था, भाई दूध कितना ही पी लो, घी कितना ही खा लो, पर 10 रुपये महीना आप देखो उसमें। लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया, मैं एक टूर्नामेंट होता था यहाँ जामा मस्जिद पे हर संडे को, मैं वहाँ खेलने लगा, और हर संडे को मैं 4 बाउट 5 बाउट जीतता, तो मुझे कभी 70 रुपये, कभी 50 रुपये, कभी 20 रुपये वो मिलने लगे, तो मेरा क्या था, कंपटीशन भी मिलता और इकट्ठा भी करने शुरू किए। तो लेकिन आज परिस्थिति विपरीत है, आज भारत सरकार, राज्य सरकारें खूब थोके भाव में दे रही है उस स्कीम को, और अच्छा बना के, और फिर मैं कह रहा हूँ जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक आप फिक्स नहीं करोगे, बिल्कुल जिसकी भी, पैसे की कमी नहीं, आज सरकार ने पूरा सब कुछ खोल रखा है, वेरी गुड। आज तो लेकिन उसकी जिम्मेवारी, अगर कोई भी आदमी है चाहे वो किसी भी उसमें, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मेडल क्यों नहीं है, चाइना में यही किया, राइट।
उन्होंने आज वो जो ओलंपिक में एशियाड में टॉप में है तो वो सिर्फ इसी कारण से है कि वहाँ कोई एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए। और जहां तक मैंने नौकरी की एक मिनट लूंगा, मैंने नौकरी की बात कही तो मैं नौकरी में ये कहना चाहता हूँ, एक बच्चा अगर नेशनल चैंपियन हो गया अपने गेम में, उसको इतनी कहीं बीएसएफ में, पुलिस में, कहीं एलडीसी में, कहता हूँ चौकीदार लगा दो, एक उसकी जो मेंटेलिटी है उसके पेरेंट्स की कि बच्चे का भविष्य क्या होगा वो खत्म हो जाती है। फिर उस पर जिम्मेवारी डालो कि भाई देखो हमने आपको नौकरी दे दी है, उसकी सैलरी उसके वहां जाए और उसको फिर खाने को और उसको ट्रेनिंग कर, जब तक वो ओलंपिक या एशियाड के मेडल नहीं देता फिर उसका पीछा मत छोड़। एग्जैक्टली एक सवाल पूछा भी गया हमसे यहां पे राहुल, सबसे बड़ी चीज अभी पीवी सिद्धू जो है वो इस हमारे देश के सबसे बड़े सीईओ जो हैं, जो कि 1.5 करोड़ रुपया महीने की तनख्वाह लेते हैं, उनसे भी ज्यादा आप कमा रही है। सही बात, ये मैंने पिछले साल पीवी सिद्धू की इनकम 58 करोड़, जिसने पिछले साल कमाया है वो स्पोर्ट्स से आया। जिस दिन पीवी सिद्धू मेडल लेके आई ओलंपिक में तो पहले हफ्ते में उसको 7 करोड़ की स्पॉन्सरशिप मिल गई थी। पॉज ऑन दैट बिकॉज एक सवाल हमारे साथ जुड़ा भी हुआ है भाटिया जी, हम टाइम पे बहुत शॉर्ट जा रहे हैं। राहुल है एमपी से, जिन्होंने कहा है कि उन्होंने 2 वर्षों से अपना स्पोर्ट छोड़ दिया है, अगर आप बता सकते कि आप कौन से स्पोर्ट की बात कर रही है तो शायद थोड़ा सा यहाँ पे होता, लेकिन एनीवेज शी सेड दैट शी 2 वर्षों से वो स्पोर्ट्स कर नहीं पाई है, खेल नहीं पाई है, तो अगर वापस एंट्री करना चाहती है तो वो किस तरह से, उम्र कितनी है, अगर आप हमारे साथ इस समय लाइन पे हैं या आप सुन पा रही है तो थोड़ा हमें आइडिया और मिल सकता कि आपकी उम्र कितनी है, जैसे यहाँ पूछा जा रहा है। सो आई डोंट नो, 21। ओह थैंक यू, हाय शी इज देयर ऑन द लाइन, यस, मोर और लेस ऑन द पीक परफॉर्मेंस एज, राइट, मोर लेस, राइट। तो ये जो पीक परफॉर्मेंस एज होती है ये भी आप 6 से 8 साल तक मेंटेन कर सकते हैं। लिविंग एग्जाम्पल है कि 2 ओलंपिक में गए तो इन्होंने अपने आप को मेंटेन किया तो इसलिए 2 ओलंपिक जा सके। तो अगर आज उनकी 21 है और वो अच्छा खेल रही हैं तो अपने आप को मेंटेन करें, शी कैन कम बैक। कम बैक हाउ, दैट्स व्हाट शी इज आस्किंग, कैसे, व्हाट इज द डिसिप्लिन, व्हाट स्पोर्ट आर यू टॉकिंग अबाउट राहुल, अगर आप सुन पा रही हमें तो। जी जी, कौन से स्पोर्ट में आप हैं? रनर, 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 एथलीट। अगर आप रनर हैं और 21 साल की उम्र है तो वो किसी भी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियरेस्ट सेंटर में जाएं और जाकर के अपनी ट्रायल दे दें। अब अगर वो 21 में हैं तो मोस्ट प्रॉबली वो उनको स्प्रिंट के लिए तो नहीं लेंगे इस वक्त, लेकिन मिडिल डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अगर उसके अंदर क्षमता है तो वो ले लेंगे। Well, I guess on that note, Rahul, I think you got your answer. He is wishing you all the luck, my dear, for your future in the world of athletics. Lekin gentlemen, bahut acha laga aapse baat karke. Time just flew by and honestly, we've run actually over the time now. So I'm going to cut it short over here. Thank you very much. Thank you very much. Thanks a lot. We must do more such shows. Of course we should, but it's been an absolute pleasure. Satpal ji, Sharma ji, Bhatia ji, thank you very much. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you. दोस्तों उस नोट पे अभी वक्त हो चला है कि हम आपसे अलविदा विदा लें और आपसे मुलाकात करेंगे अगले बुधवार एक बार फिर से शाम को 4 बजे। टिल देन यू गाइस हैव अ लवली वीक अहेड, गुड बाय।